नमस्कार, मैं जगीत चौहान, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। सूरतगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बीरवाना में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की यौन संबंधी मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सूरतगढ़ विधानसभा के बसपा उम्मीदवार डूंगर राम जी गैदर, श्रीमान आदर राम जी, डायरेक्टर रायावाली से श्रीमती सुमित्रा जी, डायरेक्टर 13 SD से श्रीमान रमेश कुमार जी टोंग व इमिजन जी मास्टर, ग्रामीणों ने माला पहनाकर सबका स्वागत किया। सर, चुनाव में अपने विशेष मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार आप? सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं, अभी तक हमारी प्राथमिक जो समस्या है वो भी पूरी नहीं है। पीने का मीठा और स्वच्छ पीने का पानी सूरतगढ़ के लोगों को नहीं मिल रही है, मिल रहा है। सूरतगढ़ के गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। सूरतगढ़ के अंदर स्कूलों के हालात खराब है, स्कूल पीपीपी मोड पर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। तो अभी तक जो प्राथमिक सुविधाएं वो भी पूरी नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण हो, ये सूरतगढ़ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। सूरतगढ़ शहर के लोगों को पट्टे आवंटित किया जाए, ये सूरतगढ़ शहर का यानी मुख्य मुद्दा है। सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए, ये भी सूरतगढ़ का मुख्य मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ से चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहाँ की जनता, हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ आज बीरवाना के अंदर बीरवाना को उप तहसील है वो घोषित की जावे और बीरवाना के अंदर किसी उपज मंडी समिति बने, क्योंकि बीरवाना का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र की ये समस्या है। यहाँ के लोगों को दूर तक जाना पड़ता है इन समस्याओं के लिए। तो यहाँ सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है, क्षेत्र या समीकरण भी यहाँ है और यहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसलिए ये सुविधाएं भी यहाँ इस गाँव को मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। इसके लिए भी आज बीरवाना में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जोन स्तरीय मीटिंग हुई, जिसके अंदर बीरवाना जोन के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, यहाँ के कार्य की संगठन की समीक्षा की गई और हर जाति वर्ग को जोड़ करके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करके नेटवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ 12 मई से नागौर से शुरू होने वाली जो यात्रा है वो 13 तारीख को सूरतगढ़ आएगी। 13 तारीख को 1 बजे सूरतगढ़ के अंदर अंबेडकर भवन में समारोह रखा गया है, जिसके अंदर हमारे दोनों विधायक मनोज न्यांगली जी और पूर्णमल सैनी और प्रदेश के सारे पदाधिकारी आएंगे। तो उसके अंदर भी जो राजस्थान प्रदेश की जो के लोगों की जो विभिन्न समस्याएं, केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो बुरी हालात है देश की, उसके खिलाफ जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का आह्वान किया गया है, जिसमें यहाँ से भी ज्यादा से ज्यादा लोग